नीना फूल गला मंगनिया अपने राम सीता जी ने चरण चरनिया तन तन नसीब सुवर्ण रजत पितृजाम चंद्राम रण में लक्ष्मी जात वेदो माँ बाह कामा जात वेदो लक्ष्मी मनगामी श्यामन बिंदे हम गामे संपूर्ण हम बोलो श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण जामी गुफा लगा जामी दर्शन भी होए कंडो
तेरी मेहरबानी मेहरबानी दरबार रोज प्राण आए बागे बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 तो बाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है कहाँ से वहाँ से ठीक है चलो चलो मंदिर चलो पूजा होनी मंदिर ग्रह जोत भी एक थोड़ा तेल होना चंद्र बोतल नहीं आता फिर ले क्यों ले क्यों आई है तेल ले बोतल नहीं कौड़े चमच होगा अंदर तो देना चमच ठीक है अरविंदे भवं भवानी सैतम नमामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं देवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरयं चिदाकाशं आकाशवासं भजेम बोलिए श्री गणपति महाराज सत्य नारायण भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की सचियां जोतों वाली माता तेरी ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिम तेन मामव मानो जुद्रजुगताम आज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञामिमं तानोतु अरिष्टं यज्ञगं सामिमं ददातु भीष्मे देवस्य माद्यन्तामो प्रतिष्ठे क्वे प्रतिष्ठानां यज्ञेतरेस्तनयज्ञे सन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति पायदिय लोटे च कुशन छेडादिय गङ्गे चम्य च गोदावरी
सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संसनिधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रिया पुष्कर जलम प्रतिक्रियताम गंधम टिक्के लगाई दिया चौंच फेरियां जो गंधम समर्प्यामी आत लगाई लिया गढ़वे के साथ ओम श्री विष्णु पादव संभूते गंगे त्रिपद गामने धर्म द्रवीति विख्याते पाप में जान भी ओम श्री भागीरथी गंगा देव्य नमन अपने प्रकोशन छिड़का कर ये देवते अज्ञ छिड़का करे दिया अपवित्र उपवित्रो वह सर्वावस्थाम गतो पिवा य स्मृत पुनरीकाक्षम सवाय प्रचंतु धर्म कामार्थ सिद्ध नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदुक्ता कृष्णा गोविंदाय नमो नमः ओम श्री येन बद्धो बली राजा दान भिंद्रो मावला तेन त्वं प्रतिबद्रामी रक्षे माचल माचल ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी माचल माचल ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षात मंगलाय स्तनवरी ओम श्री येन बद्धो बली राजा दान भिंद्रो मावला तेन त्वं प्रतिबद्रामी रक्षे माचल माचल ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात मंगलाय स्तनवरि ओम श्री येनबुद्धो बली राजा दान विंद्रो मावला तेन त्वं प्रतिबद्रामी रक्षे माचल माचल ओम श्री मंगल बैठा बैठा जाए बैठा जाए जिमी आइया जिमी बैठा बोल जाए टिक्का लाए चल रही है अंदर अंदर विश्वास भैया टिक्का लगाओ फूल चावल मिठा सब कुछ चढ़ा दिया हरि ध्रुवा डाल चढ़ा दिया ओम श्री प्रतिभ्य नमो नमः प्रार्थना करो पृथ्वी की आगे ओम श्री विष्णु नल पति नाम पति नो दताम समयुक्ताम चरणी चुप्रमा ओम श्री प्रतिभ्य नमो नमः हाथ लगा लिया पृथ्वी के साथ सोना प्रथम भक्त निवेशनी यछाना संसप्रतम श्री प्रतिभ्य नमो नमः नमस्कार मिति कुरिया चमचे जल पराजी आसना ध्यान करय पृथ्वी ती मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम चंदा कुरमो देवता आसन पवित्र करण विनियोगा धरती पर छड़ दिया अपने आसन दे तल दिया कुशन जला छिट्टा टिक्का चढ़ा दिया फूल चावल मिठा सब कुछ चढ़ाई दिया ध्यान करो ये आसन का ओम श्री प्रतिपता द्रोकतम शुद्धतम चदि हरि माम दे पवित्रम कु चासन लोग मन से दुखी होते हैं उसने अपमान कर दिया हमारा उसने हमको ये बोल दिया मन से दुखी कुछ लोग तन से दुखी है शरीर काम नहीं करता नीचे बैठ नहीं सकते भोजन तो कर लेते हैं लेकिन पचता नहीं है किसी की गोड़े दुखते हैं किसी कमर दुखती है किसी को और बीमारी है टीबी है कैंसर है ये तन की बीमारी है मन की बीमारी क्या है उसने अपमान कर दिया उसने बुरा बोल दिया किसी को देख कर ईर्ष्या हो गई पड़ोसन का अच्छा मकान देखा थोड़ा पेट में दर्द शुरू हो गया या नहीं होता हमारी माँ होता किसी किसी ये मन की बीमारी है आदमी मन की बीमारी से ज्यादा दुखी है तन की बीमारी तो ठीक है उसकी दवाई है इलाज करा लेता है मन की बीमारी की दवाई ये है सत्संग
मन में बहुत इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आदमी दुखी है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो उसी में दुखी है। और कुछ देवी विपत्ति होती है, मौसम की खराबी है, ये देवी विपत्ति, ओले पड़ गए, वर्षा नहीं हुई, या वर्षा बहुत ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, ज्यादा वर्षा से भी फसल खराब हो जाती है, तो किसान को बड़ा दुख होता है। जो किसान है वो जानता है, आप हम क्या जाने, मौसम की मार झेलते हैं, इसको देवी विपत्ति बोलते हैं। तो आधे व्याधि उपाधि, मन का दुख, मन हर समय प्रसन्न नहीं रहता, कोठी तो अच्छी बन गई, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, खूब कमाने वाला है, बेटा भी हो गया, पोता भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, लाड़ी भी आ गई, लेकिन मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन में दुख रहता है, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, होता नहीं होता ऐसा, ये मानसिक दुख है, मन प्रसन्न नहीं रहता। मन को प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन प्रसन्न रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए, ये मानसिक बीमारी दूर होना चाहिए, चाहे वो ईर्ष्या से हो, चाहे राग द्वेष से हो, चाहे इच्छाओं से हो, वासनाओं से हो, दूसरों से आप जब तुलना करते हो अपनी तो ज्यादा दुख होता है। तो भगवान की कृपा से, सत्संग से ये तीनों बीमारियां दूर होती हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की हम शरण देते हैं, ऐसे भगवान की शरण में होकर फिर भागवत का आरंभ किया गया है। सबसे पहले भागवत की महिमा बताई गई है कि महिमा क्या है। किसी चीज की हम जब तक महिमा नहीं समझते तब तक उससे पूरा फायदा नहीं उठा पाता। सत्संग की महिमा क्या है, जो कथा हम सुनते हैं इसकी महिमा क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी, इंपॉर्टेंस क्या है इस स्टोरी का, हम क्यों सुने, क्यों बार बार सुने, इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या है, तो उसकी महिमा बताई पहले, इंपॉर्टेंस बताया। तो महिमा में दो आख्यान बताया है, एक तो भक्ति का आख्यान बताया है और एक बिंदुकारी का आख्यान बताया है। दो दृष्टांत दिए, दो एग्जाम्पल वहां दिए, एक तो भक्ति महारानी का और एक बिंदुकारी का। भक्ति महारानी और बिंदुकारी, ये दोनों में कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है। बैठ एक तो बहुत महान है, भगवान का स्वरूप है, और एक बहुत दुष्ट है, नीच है, धुंधुकारी, बड़ा पाप करता है, पाप करते करते प्रेत योनि में चला गया। ये दो ऐसे असंगत उदाहरण दिए, आपस में दोनों बेमेल है, बेजोड़ है, एक बहुत सात्विक है और एक बहुत तामसी है। ऐसे उदाहरण क्यों दिए, इसलिए दिए ऐसे उदाहरण कि देखो, चाहे धुंधकारी जैसा महापापी हो और चाहे भक्ति महारानी जैसी भगवान की प्रिया हो, दोनों को शांति मिलेगी तो सत्संग से मिलेगी, दोनों का हित होगा तो सत्संग से होगा। चाहे महान से महान हो, चाहे बहुत नीच से नीच हो, उनका हित होगा, उनका भला होगा तो सत्संग से ही होगा, शांति मिलेगी सत्संग से मिलेगी। तो यहां भक्ति भी अशांत है और धुंधकारी महापाप करके प्रेत योनि में चला गया, वहां भी अशांत है, वहां तो अशांत रहेगा ही। गलत काम करने वाला कभी शांति से नहीं जीता। लोग कहते हैं गलत काम करने वाले सुखी हैं, अरे अंदर शांति कितनी, ये तो देखो, सुख का क्या पैमाना तुम्हारे पास, अणु वालों के पास यही पैमाना की गाड़ी खड़ी है, लाड़ी बैठी है, गाड़ी खड़ी है, कोठी अच्छी है, यही तो पैमाना है, लेकिन भीतर से कितना टेंशन में, ये देखा कभी आप, इसका कोई पैमाना नहीं। तो गलत काम करने वाला बहुत टेंशन में होता है, आप केवल सामान देखते हो, वस्तु देखते हो, उसके भीतर का टेंशन तो आप फीलिंग करते नहीं, करते हो,
वो आप नहीं करते, और आप एक इमेज बना लेते हो कि बहुत सुखी है वो, पाप करने वाला बहुत सुखी है। सुख दुख तो मन से होता है, बाहर के सामान से बोलो नहीं, बाहर के सामान से नहीं होता। सुख दुख मन की फीलिंग है, बाहर बहुत सामान है उससे कुछ नहीं होता, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत पैसे कमा लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख होता है मन से, मन से ही सुख दुख होता है, मन से ही बंधन और मुक्ति होती है, मन से ही टेंशन होता है और मन से ही टेंशन फ्री होती है, सब कुछ मन से होता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, बंधन मोक्ष दोनों का कारण मन है। मन से ही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन प्रसन्न है तो एक फटी गुदड़ी में भी आदमी प्रसन्न है, टेंशन फ्री, और मन प्रसन्न नहीं तो बहुत अच्छी कोठी में बिठा दो फिर भी उसका टेंशन खत्म नहीं होता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं। संतोष है तो झोपड़ी में भी महापुरुष आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं। गृहस्थ में भी देखो, एक मजदूर आदमी भी शांति से रह सकता है और एक अरबपति खरबपति आदमी भी अशांत रहता है, क्यों? उसका मन बहुत नेगेटिव सोचता है। अरबपति खरबपति का मन बड़ा नेगेटिव सोचता है, ईर्ष्या से भरा है, क्रोध से भरा है, पैर से भरा है, एक दो केस चल रहे हैं कोर्ट में, टेंशन है कल उसकी तारीख है, परसों उसकी तारीख है, इसकी तारीख कल है, उसकी तारीख परसों, उसकी तारीख 6 तारीख, उसकी 12 को। वो चिंता में भरा है और आप कहते हो बहुत सुखी है, उसको नींद नहीं आती बेचारे को बिना गोली खाए, और आप कहते हो बड़ा सुखी है पाप करने वाला। तो ये पैमाना गलत है, पैमाना ही गलत है, आपके जो पैरामीटर्स है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, उसको ठीक रखना चाहिए। श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे हैं और देखा सब जगह अशांति, पृथ्वी लोक में सब जगह अशांति। मजे की बात तो ये देखी उन्होंने कि ग्रस्तों के यहां अशांति है और साधुओं के यहां आश्रमों में बड़े बड़े डेरों में वहां भी अशांति है, बहुत बड़े बड़े डेरे बने हैं वहां भी अशांति है। गृहस्थी के यहां शांति तो समझ में आती है महाराज, लेकिन संतों के यहां पर अशांति, बड़े बड़े डेरों में अशांति क्यों है? बड़े बड़े डेरों में अशांति इसलिए कि पैसा ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा हो गई, जिस डेरे में जिस आश्रम में जितनी संपत्ति रहेगी उतनी अशांति रहेगी। और ग्रस्त क्यों दुखी है महाराज? साधु इसलिए दुखी है कि बहुत पैसा हो गया, अब पैसे से टेंशन है महाराज, पैसे से टेंशन है, कोई भारी सोचता गद्दी मेरे को मिल जाए। आजकल ज्यादा परंपरा गृहस्थियों की गद्दी है, कोई सन्यासियों की गद्दी तो नहीं, गृहस्थियों के डेरे ज्यादा है, गृहस्थ गुरु ज्यादा है, तो उनमें बहुत खींचातान रहती है। एक भाई सोचता है कि मैं बन जाऊं डेरे का मुखिया, बेटा सोचता है मैं बन जाऊं, पत्नी सोचती है मैं बन जाऊं, बेटी सोचती है मैं बन जाऊं, बहुत खींचता है, बहुत अशांति है। आपको देखना है तो देख सकते हो, पंजाब में देख लो, हरिद्वार में जाके देख लो, काशी में देख लो, हम तो बहुत देखते हैं, उन लोगों के बीच में जाते देखते हैं। निष्पक्ष भाव से देखते हैं, ज्यादा पैसा जहां है उनके दुश्मन बन जाते हैं बहुत से, सरकार की भी नजर रहते हैं, इनकम टैक्स वालों की भी नजर रहते हैं कि इतना पैसा आता है इसका होता क्या है, बाबा जी के पास इतना पैसा आता है इसका होता क्या है, कुछ ऑडिट है कि नहीं, कुछ हिसाब है कि नहीं, कुछ अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं,
तो दुखी रहते हैं वो, घर वालों से दुखी, सरकार से दुखी, गुंडों से दुखी, सबसे दुखी रहते हैं। और गृहस्थी क्यों दुखी है महाराज, ध्यान देना, गृहस्थी इसलिए दुखी है, बोले गृहस्थ में स्त्री की चलती है, स्त्री अभी जो जवान स्त्री है, बहु है या बेटी है, उसकी चलती है, बड़ों की नहीं चलती। तुम चुपचाप बैठो, तुम पुराने जमाने के, ऐसा कहते हैं। तरुणी प्रभुतागे है स्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुतागे है, तरुणी स्त्री की, जवान स्त्री की गृहस्थ में बात चलती है, सब स्त्री की बात मानते हैं, इसलिए वो गृहस्थी लोग दुखी हैं और धन अधिक होने के कारण से विरक्त दुखी हैं, दोनों दुखी हैं। ऐसे संसार का तमाशा देखते देखते मैं वृंदावन पहुंचा नारद जी के, वृंदावन गया तो वहां पर एक आश्चर्य देखा, एक बूढ़ी माता जी लगभग 100 साल की, वह बूढ़ी माता गोद में दो जवान, नहीं माता तो जवान है और बेटे बूढ़े उसमें, माता बिल्कुल जवान एकदम 16 साल और बेटे 100-100 साल का। पहले तो मैंने सोचा कि इसकी पोती होगी कोई, नारद जी कह, पहले मैंने सोचा ये देवी जिसकी सिर रखकर सो रहे हैं दोनों गोदी में दो वृद्ध लोग, तो ये इन वृद्धों की इन बुढ़ों की कोई पोती होगी, परपोती होगी, क्योंकि वो तो 18-20 साल की जवान है, और जो बूढ़े हैं वो 100-100 साल के। मैं वहां से जा रहा था, वो बड़े दुखी थे, माता भी दुखी थी, वो भी दुखी थे, मेरे को मालूम नहीं था ये बेटे इसके, क्योंकि ऐसा संसार में होता नहीं कि माँ है 18-20 साल की और बेटे हैं 100 साल के, ऐसा होता है कि बेटा तो छोटा ही रहेगा, बड़ा बेटा भी है कम से कम 20-25 साल का अंतर तो रहेगा माँ से, नहीं रहेगा। फिर ये क्या तमाशा था, नारद जी जब नजदीक गए तो बताया महाराज आइए, महाराज आइए, आपकी जो हवा लगती है उससे हमको शांति मिलती है, अच्छे महापुरुष होते हैं, अच्छे संत होते हैं, उनकी उनके परमाणुओं से शांति मिलती है, उनके पास बैठने से शांति मिलती है, उनको प्रणाम करने से शांति मिलती है, तो महाराज आपसे हमको बड़ी शांति मिली, आप आइए बैठे। नारद जी ने पूछा देवी आपका परिचय है, और ये वृद्ध लोग जो आपकी गोदी में सो रहे हैं दोनों, इनका परिचय है। उस देवी ने अपना परिचय दिया, भक्ति कहती है, भक्ति उवाच, अहम भक्ति प्रतीक्षाता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु कालयोगी ने जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, कहां पैदा हुई है, महाराष्ट्र का भी प्राचीन नाम महाराष्ट्र है, गुजरात का प्राचीन नाम गुर्जर देश है, तो मैं मरे जैसे हो गया, जरा भी इनमें शक्ति नहीं कि उठकर बैठ जाए, इतनी भी शक्ति नहीं इनमें। पूछा देवी ये क्या हुआ, ये क्यों हो गया, बोले महाराज कलयुग आ रहा है ना, तो कलयुग में ये बूढ़े हो जाते हैं, कौन है, बोले मैं तो भक्ति हूं और ये बेटा जो है, बेटे हैं आपके, बोले हाँ मेरे बेटे, मैं तो भक्ति हूं, वृंदावन के कारण से मैं जवान हो गई और मेरे बेटे तो बूढ़े ही रहे, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में ज्ञान भी बूढ़ा हो जाता है, अर्थात ज्ञान की कोई ग्राहक नहीं होते, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, बस कथाओं में भी नाचवान हो जाता है, खत्म, ज्ञान की बात किसी को चाहिए नहीं, सत्संगों में नाच गान हो जाता है, गुरु जी के भजन हो जाते हैं। पंजाब में हम अभी एक सत्संग में गए तो हमको बुलाया, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, आप भी चलो महाराज चलो, तो वहां गुरु जी के भजन हो गए, इस गुरु जी को इस प्रचरण एक्सप्रेस हो गए, दो शब्द गुरु जी ने बताई, सिमरन करो सिमरन करो, और बस सब आ गए, गुरु जी के एक फोटो लेकर आ गए अपने घरों में टांग दी, ये हो गया सत्संग, गुरु जी की फोटो ले आए अपने अपने घरों में, को
कोई कोई चार चार फोटो ले आए तो तीनों कमरों में लगा ली, किचन में लगा ली, सब जगह लगा ली, बड़ी बड़ी फोटो लगा ली। एक एक आदमी 5,000 रुपए की फोटो में ले गए गुरु जी की। अभी की बात, ज्ञान की कोई बात नहीं, सत्संग की कोई बात नहीं, टेंशन फ्री होने का कोई सूत्र नहीं मिला विचार में। मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ। यही सत्संग है। और धीरे धीरे वो लोग सनातन धर्म से तोड़ते हैं, कहते हैं मूर्ति की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो, गंगा स्नान मत करो, गौ की सेवा मत करो। धीरे 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 ब्रैंड वॉश करते 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 हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वहां से लोगों को हटा दिया। भगवान शंकर की पूजा मत करो, शिव जी के मंदिर में मत जाओ, ये तो पत्थर है, इस तरह की चर्चा वहां चल रही थी। मैंने सोचा यही सत्संग है क्या? दूसरे की बुराई करना ही सत्संग है? सनातन धर्म की बुराई करना ही सत्संग है क्या? हिंदू धर्म की बुराई करना सत्संग है तो वो भी हिंदू, नाम नहीं बताऊंगा। तो नारायण सत्संग में बड़ा दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है तो ज्ञान की दुकानें लग गई, गुरु जी के स्टॉल लगे हुए हैं, सब सामान वहीं से लाओ गुरु जी के यहाँ, बिस्कुट भी वहीं से लाओ, बेकरी भी वहीं से लाओ, सब सामान गुरु जी के यहाँ मिलता है, डेरों में मिलता है, आश्रम में मिलता है, अगरबत्ती साबुन तेल सब कुछ, तकलीफ नहीं गुरु लोगों की तकलीफ। तो ज्ञान वृद्ध हो गया कलयुग में, क्योंकि ज्ञान का कोई स्रोत नहीं रहा, चर्चा ही नहीं होती। हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, आत्मा है, ये कोई बताता ही नहीं। लोग शरीर को ही मानकर अपना स्वरूप मेकअप करके बैठे रहते हैं लोग। और दूसरा वैराग्य नहीं है, विषयों से, भोगों से, धन से, आसक्ति से, गहने कपड़े से वैराग्य नहीं होता, शरीर से वैराग्य नहीं होता। आत्मा का तो ज्ञान नहीं होता और शरीर से वैराग्य नहीं होता। पहले शरीर से वैराग्य हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन शरीर के मेकअप में लगे रहते हैं, शरीर के मेकअप में लगे रहते हैं। अभी कांगड़ा से हम कथा करके आ रहे हैं, वहां पर माताएं बोली महाराज यहां जो माताएं आती हैं वो मैंने कहा लेट क्यों आती है? एक बजे कथा शुरू होती है, लेट रहते हैं। बोले महाराज दो ढाई घंटे मेकअप में खर्च हो जाता है, दो ढाई घंटे आप लोग नहीं करते, करते हो थोड़ा जल्दी कर लिया करते ऐसे आप लोग बाल सफेद ना दिखे, डाई वाई कराते रखो भाई लोगों कैसे डाई वाई, ऐसा प्रयास है। आखिर शरीर को भाई कब तक रखेंगे? इसकी एक सीमा है, 70-80 बस, अधिक से अधिक खींचोगे, ज्यादा से ज्यादा खींचोगे शरीर को 100 साल बाद। कोई हमीरपुर जिले में 150 वर्ष का आदमी नहीं होगा जी, आपका क्या नॉलेज है? अग्री बिल्डिंग कोई 150 वर्ष का आदमी नहीं होगा, है नहीं, अधिक से अधिक 100 तक खींचते, 70, 75, 80 तक राम नाम सत्य हो जाता है, आपका मेरा सत्य होगा, ये तो जीवन का सत्य है। तो इस शरीर से धीरे 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 वैराग्य जाने की तैयारी, डिपार्चर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, आसक्ति छूटती जाए, वासनाएं कम होती जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। भगवान की भक्ति बढ़ती जाए, ध्यान बढ़ता जाए, सिमरन बढ़ता जाए, बहुत धन में, गहने में, कपड़े में, शरीर में,
बहुत ज्यादा जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो कम होता जाए, डिटैच होते जाए धीरे धीरे, वो वैराग्य की भावना है। और अपनी आत्मा को पहचानते जाए, मैं मरती मरता हूं ना मरती हूं, हम मरते नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग अलग परमात्मा का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, ये ज्ञान है। और इससे बहुत आसक्ति नहीं रखना, इसमें दासमान में एक दिन मर जाएगा क्या आसक्ति करना, बेटे में इसका आसक्ति करना, कई लोगों के माता पिता के सामने बेटे चले जाते हैं, नहीं जाते क्या, पोते चले जाते हैं, तो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। अगर वो पहले से सत्संग से मानसिक रूप से प्रिपेयर रहे हैं कि भाई इनमें बहुत आसक्ति नहीं करना, चलो है जब तक पढ़ाओ लिखाओ शिक्षा दो संस्कार दो, संस्कार तो देते नहीं है बिल्कुल, हिमाचल में संस्कारों की बहुत कमी आ रही है, हमारी देवभूमि में संस्कारों की बहुत कमी, बहुत कमी आ रही, जवान बच्चों में संस्कार ही नहीं, उनको आप सत्संग में लाते ही नहीं। आने वाले के गीता पढ़ते पहले थोड़ा सा देखेंगे, वो आके नहीं बहाना बना, बच्चों कहते हैं बेटा जब बाल सफेद होने लगे तब सत्संग शुरू करो, बाल सफेद कभी होते नहीं क्योंकि आजकल दाढ़ी आई है, बाल कभी बारीक होंगे नहीं, बाल सफेद होंगे नहीं और बच्चों को लगेगा कि नहीं अभी एज नहीं हमारी, ह्यूमन लाइफ जिस पर्पस से मिली है वो पूरा पूरा हो जाएगा, उसको अचीव करना सबसे पहले। तो ज्ञान और वैराग्य एक रूपक है, इसके लिए उस दृष्टांत दिया है कि वृद्धों के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो रहे हैं क्योंकि कलयुग में इनका कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति भी वृद्ध, देखो आप राधे 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 चारों तरफ राधे राधे राधे, संतों के पास जाओ थोड़ी भक्ति मिलेगी, मंदिर में जाते हैं तो भक्ति तो ठीक है लेकिन वृंदावन में भी ज्ञान वैराग्य नहीं है। शरीर में आसक्त होते जा रहे हैं, अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपको वसुधा इसका अनुभव नहीं। मैं अपने बेटों के गुरु से होती हूं, ज्ञान और वैराग्य मेरे गुरु से।